सोम प्रदोष की कथा सुनने से जीवन के सभी दुखों से मिलेगी मुक्ति, घर की दरिद्रता होगी समाप्त, मन की मुरादें होगी पूरी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सोम प्रदोष की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार सोम प्रदोष का जो महापर्व है वो है 20 अप्रैल 2020 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सोमवार के दिन आ रही है, इसलिए 20 अप्रैल के दिन जो है सोम प्रदोष का महापर्व रहेगा और प्रदोष तिथि सोमवार को आती है, ऐसे में सोम प्रदोष महापर्व बनता है। यदि मंगलवार को आती है तो भोम प्रदोष बन जाएगा, लेकिन सोमवार को प्रदोष आने का जो संयोग है वह बड़ा दुर्लभ माना जाता है और कई दिनों के बाद ऐसा संयोग आता है। तो आज हम आपको सोम प्रदोष की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। स्कंद पुराण में यह कथा बताई गई है और बड़ी ही दिव्य और ज्ञानमयी कथा है। इसको आप बड़े ध्यानपूर्वक मन लगा करके सुनिएगा तो निश्चय ही भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, क्योंकि जो लंका का राजा था रावण, वह भी भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना सोम प्रदोष या प्रदोष के समय किया करता था, क्योंकि जो शिव तांडव स्तोत्र का उसने निर्माण किया था वह भी प्रदोष काल में ही किया था। ऐसा माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र का जो कोई भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ प्रदोष काल में प्रदोष के दिन यदि पाठ करता है तो अखंड लक्ष्मी की उसे प्राप्ति हो जाती है। तो आप सभी ध्यान दें और 20 अप्रैल 2020 सोमवार के दिन सोम प्रदोष का व्रत करें, इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। प्रदोष का व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए होता है, संतान की लंबी आयु के लिए होता है, इसके अलावा धन धान्य की प्राप्ति के लिए तथा भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त यदि आपको करनी है तो आपको प्रदोष के दिन व्रत करना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ का शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का जो समय है वह शाम को 4 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा, जो कि देर रात्रि यानी लगभग शाम को 7 बजे तक रहेगा। प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान कर ले और स्नान करने के बाद मन ही मन संकल्प कर ले या हाथ में जल लेकर के संकल्प कर ले कि हे प्रभु भोलेनाथ, आज हम प्रदोष का व्रत करने जा रहे हैं और प्रदोष का व्रत हम जब करेंगे तो आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो हे प्रभु भोलेनाथ, हमारी जो जो भी मनोकामनाएं हैं, मन की इच्छाएं हैं, मन की मुरादें हैं, वो सभी आप पूर्ण कर देना। इस प्रकार आपके मन की जो भी इच्छा हो आप संकल्प में बोल दीजिएगा और उसके बाद व्रत करिएगा। इस व्रत में एक समय भोजन आप कर सकते हैं, एक समय फलाहार लेकर भी इस व्रत को किया जा सकता है या केवल फलाहार के रूप में भी इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन संभवतः पूरे दिन व्रत करें, दोपहर में एक समय फलाहारी वस्तु ले लें और शाम को प्रदोष काल में भगवान का पूजन अर्चन करने के पश्चात भोजन कर ले तो इस व्रत की पूर्णता मानी जाएगी। जैसा आप सोमवार के दिन या 16 सोमवार में या फिर श्रावण सोमवार में भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं, उसी प्रकार प्रदोष के दिन भी पूजन अर्चन करना चाहिए तथा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रदोष व्रत की जो पहली कथा है वह इस प्रकार है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठ करके नाना प्रकार के द्वीपों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां उसने परम अद्भुत एवं अनुपम छवि वाले भगवान शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बिठा करके शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान गौर वर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देख करके राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि शंभो, संसार में जो विषय मनुष्य आदि है तथा स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे दूसरे लोग हैं,
वह तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते हैं। यह सुनकर के गिरजा नंदिनी माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, अरे दुरात्मन, हे मूर्ख, तूने मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का उपहास किया है, उनका मजाक किया है, अतः इस कर्म का फल तू शीघ्र ही देखेगा। जो समता युक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करता है वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। तू देवता और द्विज दोनों की श्रेणी से ही बहिष्कृत है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाला तू अधम को आज मैं दैत्य बना देती हूँ। पार्वती देवी इस प्रकार श्राप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वही इस समय आसुरी योनि में माता पार्वती के श्राप से वृत्रासुर बन गया और वृत्रासुर नाम का राक्षस प्रसिद्ध हुआ। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वृत्रासुर अजेय बताया जाता है, इसलिए सभी लोगों में वृत्रासुर की त्राही त्राही मच रही थी। इंद्र का आसन भी डोलने लगा, इंद्र भी बड़ा घबराने लगा। तभी इंद्र अपने देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभो, आप मुझे इस वृत्रासुर को मारने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि इसने विश्वकर्मा की तपस्या प्राप्त करके भयंकर वरदान प्राप्त कर लिए हैं। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि तुम प्रदोष काल में, प्रदोष तिथि में विधि पूर्वक भगवान शंकर जी की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस महादैत्य वृत्रासुर का वध करो। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि इस समय तुम्हारे लिए सर्वोत्तम भक्ति भगवान भोलेनाथ की होगी। तब इंद्र ने कहा कि भगवान, आप मुझे कृपा करके प्रदोष की विधि बताइए। बृहस्पति कहते हैं कि हे इंद्र, तुम जो है प्रदोष तिथि के दिन भगवान शंकर जी का विशेष पूजन अर्चन करो तथा प्रदोष का व्रत करो, और प्रदोष का जब व्रत पूर्ण हो जाए तो तुम कार्तिक मास आने पर शनिवार के दिन यदि त्रयोदशी हो तो व्रत की सिद्धि के लिए व्रत का ग्रहण करो और व्रत का उद्यापन करो। वह तिथि स्वतः प्राप्त है, इसमें चांदी का वृषभ बनाना चाहिए। उस वृषभ की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए। उस सिंहासन पर उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हो। उनके आधे अंग में सती माता पार्वती का निवास हो। इस प्रकार उमा और महेश्वर की स्वर्णमयी प्रतिमा बना करके उनका पूजन करो। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में स्थापित करके प्रदोष काल में श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूजन करो। पहले यत्नपूर्वक प्रतिमा को पंचामृत आदि वस्तुओं से स्नान करा करके उनका विधिवत पूजन करो। इस प्रकार इंद्र ने बृहस्पति के निर्देशा के अनुसार प्रदोष का व्रत किया और प्रदोष के व्रत का उद्यापन किया और इससे उसे शक्ति प्राप्त हो गई तथा उसने उस राक्षस का वध कर दिया और तीनों लोकों में जो त्राही त्राही फैला रहा था उस राक्षस के प्रभाव को जो है समाप्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी प्रदोष का व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। प्रदोष तिथि सोमवार के दिन आने से सोम प्रदोष कहलाती है। प्रातःकाल के समय भगवान शिव का पूजन होता है और प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है और प्रदोष समय में ही पूजन अर्चन किया जाता है। सोम प्रदोष सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है, व्यक्ति के सभी कार्य पूरे होते हैं। सोम प्रदोष व्रत के समय भक्त को भगवान शिव का संपूर्ण विधि विधान से पूजन करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के अलावा परम कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत में भक्ति एवं शुद्ध चित्त के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक भगवान का पूजन अर्चन करने का विधान बताया गया है। भगवान विशेष शंकर जी इस दिन प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, इसलिए इस दिन पूजन करने से भक्त की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है।
सोमवार के दिन प्रदोष व्रत करने के साथ ही प्रदोष व्रत की कथा को सुनना भी बहुत शुभ फलदायक माना गया है। सोम प्रदोष कथा को पढ़ने व सुनने से व्रत का फल बढ़ जाता है। सोम प्रदोष व्रत के विषय में कुछ पौराणिक कथाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें से एक कथा हम जो बता रहे हैं वह इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में विधवा ब्राह्मणी स्त्री निवास करती थी। उसके पति का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो गया था। वह अकेली ही अपने पुत्र के साथ रहती थी और उनका अन्य कोई आश्रयदाता इस संसार में नहीं था। उसके पास पेट भरने के लिए भी कोई साधन या काम नहीं था, इसलिए वह भिक्षा वृत्ति करके अपनी संतान का पालन करती थी। उसका एक पुत्र था। वह नियमित रूप से प्रातःकाल के समय अपने पुत्र को लेकर के भीख मांगने के लिए नगर में निकल पड़ती थी। भिक्षाटन ही उसके लिए एकमात्र विकल्प रह गया था और इसी से वह खुद का और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। अपनी इसी दिनचर्या में एक दिन भिक्षाटन के लिए वह ब्राह्मणी नगर में निकली। जब अपने घर की ओर वापस लौट रही थी तो उस समय मार्ग में उसे एक बालक दिखाई पड़ता है। वह बालक घायल अवस्था में था, दर्द से तड़प रहा था। उस बालक को देख करके ब्राह्मणी के मन में दया आ गई और वह उस बालक को अपने साथ घर लेकर आई। उस बालक का खूब ध्यान रखती थी और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका उपचार भी करती थी और उसका पालन पोषण करती थी। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है। उसके शत्रुओं ने उसके देश पर हमला कर दिया। शत्रु उसके राज्य को अपने अधिकार में लेकर उसके पिता को बंदी बना लिया। किसी तरह राजकुमार बच निकलता है और दर दर भटकने लगता है। इसी बीच ब्राह्मणी से उसकी भेंट होती है और वह उस ब्राह्मणी के घर में रहने लगता है तथा उसके पुत्र के साथ दोनों पुत्रों का पालन करती है। राजकुमार बिना अपनी पहचान बताए वहाँ लंबे समय तक रहता है। एक बार एक अंशुमती नामक गंधर्व कन्या की दृष्टि उस राजकुमार के ऊपर पड़ती है। उस राजकुमार के रूप सौंदर्य व गुणों पर वह गंधर्व कन्या मोहित हो जाती है और उससे विवाह करने का निश्चय कर लेती है। अंशुमती राजकुमार के समक्ष अपने प्रेम का इजहार करती है। राजकुमार को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए बुलाती है। अंशुमती के माता पिता को राजकुमार पसंद आ जाता है। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शिव स्वप्न में आकर उन्हें बेटी के विवाह करने का आदेश देते हैं। गंधर्व दंपत्ति अपनी पुत्री के राजकुमार से विवाह की अनुमति प्रदान करते हैं। राजकुमार का अंशुमती के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। गरीब ब्राह्मणी सदैव ही प्रदोष व्रत करने का नियम पालन करती थी। उसके इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सहायता से राजकुमार अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है और शत्रुओं पर हमला करके उन्हें अपने राज्य से निकाल देता है। राजकुमार को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। अपने राज्य को पा लेने के बाद वह वहां का राजा बन जाता है और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना राजमंत्री नियुक्त कर देता है। प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने सभी भक्तों के दिन फेर देते हैं। सोम प्रदोष व्रत से चंद्र ग्रह की शुभता और नव ग्रहों में चंद्रमा की तरह जो है व्यक्ति इस संसार में चमकने लगता है। चंद्रमा प्रबल हो जाता है, शीतलता से युक्त चंद्रमा माना गया है। चंद्रमा हमारे शरीर और मन मस्तिष्क पर प्रभावशाली असर डालता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभ फल नहीं दे रहा है तो उसे सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए तथा सोम प्रदोष का उद्यापन का भी विधान धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इस व्रत की महिमा और बहुत इसके नियम बताए गए हैं। शिव पुराण व स्कंद पुराण में भी इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। कहा गया है कि 11 या 26 प्रदोष व्रत करने के उपरांत इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। व्रत के बाद उद्यापन के एक दिन पहले यानी प्रदोष से पूर्व द्वादशी तिथि के दिन से ही इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। प्रदोष के दिन भगवान गणेश जी का पूजन षोडशोपचार विधि से करके और प्रदोष के दिन भगवान शिव जी का माता पार्वती का पूजन किया जाता है।
त्रयोदशी तिथि में उद्यापन के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके चौकी पर वस्त्र बिछाकर माता पार्वती और शंकर जी की स्थापना करें, विधिवत पूजा करें, सोम प्रदोष की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भगवान का पूजन अर्चन करके उनकी आरती करना चाहिए। भोग का प्रसाद सभी को बांटना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद परिवार के सहित सभी को भोग ग्रहण करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अब हम सभी मिलकर के भगवान शंकर जी की आरती गाएंगे। जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महादेव, हर ढांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ आसन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव, दो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे, बोले दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, निता उठ भोग लगावत महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। अवंतिका महाकाल विराजे, भक्तन हितकारी, भोले भक्तन हितकारी, निता उठ भस्म रमावे, सब मिल दर्शन पावे, महिमा अति न्यारी, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकार, भोले हर शिव ओंकार, भोले पार्वती का प्यारा, भोले ऊपर जलधारा, भोले पीवत भंग प्याला, भोले गल नाग काला, भोले भसमी रमाने वाला, भोले भूरी जटाओं वाला, भोले ऊपर जलधारा, भोले पार्वती का प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर गंगे, हर नर्मदे, हर क्षिप्रे, हर
भक्तजनों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में प्रभु भोलेनाथ का नाम अवश्य लिख दीजिएगा, ओम नमः शिवाय या जय भोलेनाथ अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।